नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इंशाअल्लाह का ऑफर मिलने पर कुछ ऐसा था आलिया भट्ट का पहला रिएक्शन। क्या है आलिया भट्ट से जुड़ी ये खबर, आइए आपको बताते हैं। बिल पिछले कुछ समय से फिल्मों में आलिया भट्ट के काम को काफी तारीफ मिल रही है। आलिया भट्ट के पास इस समय ब्रह्मास्त्र और सड़क 2 जैसी कई फिल्में हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म इंशाअल्लाह में भी साइन किया है। इस फिल्म में पहली बार आलिया सलमान खान के ऑपोजिट दिखाई देंगी। एक मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया ने इस फिल्म का ऑफर मिलने के बाद के पहले अपने रिएक्शन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म मिलने के बाद वो खुशी से उछलने लगी थी। आलिया उस वक्त मुंबई में नहीं थी बल्कि विदेश में थी और जब उन्हें इस फिल्म के बारे में कॉल आई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इस खबर को सुनने के बाद भागती हुई एक कोने में गईं और खुशी से 5 मिनट तक उछलती रहीं। आलिया ने इस बीच अपनी आने वाली फिल्मों पर भी बात की। उन्होंने कुछ दिन पहले ब्रह्मास्त्र की शूटिंग की थी और अब उनकी फिल्म सड़क 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही इंशाअल्लाह की भी शूटिंग शुरू कर देंगी वो। तो इस तरह से देखा जाए तो आने वाला साल आलिया के लिए बहुत बड़ा और बेहद खास होने जा रहा है। आलिया ने आगे कहा कि वो पहली बार संजय लीला भंसाली, सलमान खान, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और अपने पिता महेश भट्ट जैसे स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं और वो काफी एक्साइटेड हैं। इसलिए आलिया भी अपने आने वाले साल को बेहद खास मान रही हैं। आपको बता दें, आलिया अपने म्यूजिक एल्बम को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं। उनका सॉन्ग प्राडा काफी पसंद किया जा रहा है। इसे फैंस के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स भी काफी पसंद करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वरुण धवन ने भी प्राडा की जमकर तारीफ की। आपको बता दें, प्राडा में उनकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके अलावा प्राडा को वो जमकर भी प्रमोट करते नजर आई थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।